उसको समझाया बुझाया किस तरह की बात ना करे और फिर भी नहीं मानता तो उसको फिर प्रिवेंटिव एक्शन उसको डाउन किया जाए पकड़ा जाए। लेकिन किसी के कोई बहकावे में अनावश्यक नहीं आना चाहिए और कभी भी कोई भी इधर उधर की बात भी नहीं करना। हम सबको इसी मोहल्ले में रहना है, इसी शहर में रहना है, तो मिलजुल करके अच्छे से सद्भाव के साथ। और जो शेष हमारी मान लिया कहीं कोई बात है भी तो कानूनी लड़ाई होगी, हमारे कहने से तो कुछ होना नहीं है कि आप कह देंगे हम कह देंगे मुंह से बोल तमाम पेट लोग तरह तरह की बात बोलते हैं उससे अपना मुंह खराब करें, लेकिन होना हवाना कुछ भी नहीं है। अभी एक व्यक्ति के साहब वहां पूजा अर्चना की फला जब तक कोर्ट में वाद विचाराधीन है परमिशन मैं ही देता हूं, परमिशन किसी को दे नहीं है, कुछ भी कोई कह ले कुछ भी प्रचारित कर ले तो तरह तरह की लोग हैं। तो इसलिए मैंने कहा खुद आज लोगों को मैं घूम फिर करके बता दूं कि ना कोई किसी प्रकार का पोस्टर लगाए, ना किसी तरह की अफवाह फैलाए और अपने साथ अच्छे तरीके से जो भी चीज है अपने घरों में रहे, अपना नमाज अदा करे, अपने कार्यों को करे और लोगों को प्रेरित करे, विशेष रूप से नौयुवकों को कि इस तरह की गतिविधियों में जो हमारे आपस की सद्भाव बिगाड़ने वाली, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है शुरू शुरू में लेकिन कहीं हो गई चार दिन बंद हो गया अन्न जल नहीं मिलेगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। इसलिए हमेशा सद्भाव की बात करना है, मिलजुल करके रहना है, प्यार से रहना है, कोई नफरत वाली बात आपस में नहीं करनी चाहिए कभी भी जाने जाने मैं तो कभी भी